कांग्रेस नेता सह सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने चतरा के ईटखोरी के परोका मैदान में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्रनाथ बैठा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और गरीब और आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता उनके इरादे को समझ चुकी है और अब आगे चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। उसी नोटबंदी से और अभी नोटबंदी से उभर भी नहीं पाए थे कि अचानक नीम पे करेला जीएसटी की घोषणा कर दी, बगैर समझे हुए बगैर समझाए हुए जीएसटी। लोगों में हाहाकार मच गया। आज लोग सूरत में हो, गुजरात में हो, जगह जगह कपड़ों के व्यापारी भी सड़कों पर आगे आंदोलन कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जीएसटी की कहर, जीएसटी की मार। आज आर्थिक मंदी ऐसी हुई है कि कोई भी इंडस्ट्री का नाम लो आप, मैं किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं बोल रहा हूं, मैं भी कल उसी परिवार में था, दिल्ली के परिवार में, लेकिन मैंने बगावत की। जब नोटबंदी हुई तो सबसे पहले किसी सत्ताधारी ने सबसे ज्यादा जोर से आवाज बुलंद की तो वो था आपका अपना भाई शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू। हमने कहा ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, ये नोटबंदी क्यों किया आपने? उन्होंने कहा आप तो खिलाफत कर रहे हैं, आप तो बगावत कर रहे हैं। मैंने कहा ये बगावत नहीं है, मैं जो कह रहा हूं राष्ट्र हित में कह रहा हूं, प्रदेश हित में कह रहा हूं, और अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं जनता का नुमाइंदा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन से जीता। मैं मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता के प्रति है, और ऐसे आप सबों को पता है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। और मैं देश हित में बात कर रहा था। अभी भी आप देखें मैं किसी के खिलाफ नाम लेकर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मेरी। मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूं, सिद्धांतों पे बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? आज जो मैं कह रहा था कितने इंडस्ट्रीज बंद हो गए, प्रोडक्शन कितना कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम होगा, इंडस्ट्रीज बंद होगी, तो युवाओं के रोजगार भी घटेंगे। रोजगार कहां से मिलेगा? उनका रोजगार भी घटेगा। आप देख लीजिए कोई इंडस्ट्री का नाम लीजिए, ऑटो